हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं यूट्यूब देख रहा था, उसमें एक वीडियो मैंने देखा। थंबनेल पे लिखा था कि व्यू नहीं आए तो आत्महत्या कर लिया यूट्यूबर ने। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कोई करता है तो समझ लो कि बहुत ही गलत कर रहा है। अरे, व्यू नहीं आए तो आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत है भाई? अरे यार, थोड़ा टाइम तो दो YouTube को, थोड़ा टाइम दो। अगर उसके बाद भी आप अच्छी वीडियो बना रहे हैं, आप टाइम भी दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी व्यू नहीं आ रहे हैं, तो अपने आप को सोचो कि क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। और ये भी तो हो सकता है आप YouTube के लिए बने ही ना हो। आप Facebook पे वीडियो बनाइए, आप Instagram पे वीडियो बनाइए, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ जाके वीडियो बनाइए। और आप YouTube पे व्यू नहीं आए तो आत्महत्या, ये तो बहुत ही गलत है। तो दोस्तों, मेरा मानना है अगर ऐसा कोई करता है या करने को सोचता है तो बहुत ही गलत है। पहली बार तो मैं आपको बता दूं, अगर व्यू नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर आप रिसर्च करो, क्या दिक्कत है, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूं जो और कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरी वीडियो पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। और उसके बावजूद भी अगर अच्छे कंटेंट आप दे रहे हो तो कुछ टाइम दो, साल भर, डेढ़ साल, एक साल, डेढ़ साल, दो साल, YouTube को टाइम दो, क्योंकि इतनी जल्दी कोई आगे नहीं बढ़ता। आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर को आप देख रहे हो, वो चार दिन में आगे नहीं बढ़े हैं, उनको भी टाइम लगा है। एक साल, दो साल लोग दिए हैं, तब जाके वहाँ पे पहुँचे हैं। और आप नए यूट्यूबर बने हैं और आप जो है कि व्यू नहीं आए तो आत्महत्या, ये बहुत ही गलत है। अपने आप को पहचानो और मेहनत करो और अपने कंटेंट पे ध्यान दो। हो सकता है आपकी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, या हो सकता है ये भी आप YouTube के लिए बने ना हो, आप दूसरे के लिए बने हो। आप Facebook पे वीडियो बनाइए, Instagram पे वीडियो बनाइए, अरे हो सकता है आप वीडियो बनाने के लिए बने ही ना हो, आप किसी दूसरे क्षेत्र में कुछ आजमाइए करके। ये ज़रूरी नहीं कि आप यूट्यूबर ही बन जाएंगे, आप दूसरे क्षेत्र में आजमाइए। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है यूट्यूब पर, तो किसी दूसरे लाइन में आजमाइए, धंधे लाइन में आजमाइए, कोई और काम व्यवसाय कर लीजिए, कोई दुकान खोल लीजिए। तो आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं। आत्महत्या किया तो क्या मिला? हो सकता है भगवान ने जिसलिए आपको बनाया था वो आपको मिलने वाला था, उसके पहले ही आपने आत्महत्या कर लिया, तो न ये मिला न वो मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में आप निराशा लग रही है आपके हाथ बार बार, तो उस चीज़ को छोड़ देना ही बेहतर होगा। किसी और क्षेत्र में आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं और अपने आप को आप पहचानिए कि किस क्षेत्र में मैं जाऊंगा तो हो सकता है मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं हमारी वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हुई हो तो एक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।